जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। गाइस, अगर आपने चिटफंड कंपनियों में निवेश किया हुआ था, किसी भी चिटफंड कंपनी का अगर आप बात करें, जैसे पीएसीएल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, सहारा परिवार, सहारा कोऑपरेटिव सोसाइटी, या फिर एचबीएन हो गया, ऐसे अगर किसी भी अगर आपने चिटफंड कंपनी में अपना पैसा निवेश किया हुआ था, तो आपके पैसे रिटर्न कराने के लिए आपको इनके रजिस्ट्रार के पास कैसे शिकायत करनी है, इनके रजिस्ट्रार के पास कैसे आप डायरेक्ट कंप्लेंट कर सकते हैं, आज के इस वीडियो पे बताने वाला हूँ। एक ऐसा पोर्टल है जहां से आप इन सभी चिटफंड कंपनियों की डायरेक्ट कंप्लेंट इनके रजिस्ट्रार तक पहुंचा सकते हैं, और वहां से आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ फीडबैक, कुछ ना कुछ रिटर्न में, रिप्लाई में जरूर आपको दिया जाएगा। सो आज की इस वीडियो पे सभी चिटफंड कंपनियों की कंप्लेंट किस पोर्टल से करना है, किस पोर्टल के तहत आप अपनी कंप्लेंट पहुंचा सकते हैं इनके डायरेक्ट रजिस्ट्रार ऑफिस के पास, ये बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। किसी भी चिटफंड कंपनी की कंप्लेन करने के लिए सबसे पहले आपको कंज्यूमर कंप्लेन के पोर्टल पर आ जाना है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पर आप आके देख सकते हैं कि कितनी टोटल कंप्लेन है और कितनी कंप्लेन रिजॉल्व्ड हुई हैं और अनरिजॉल्व्ड कितनी कंप्लेन है। जैसे हम पीएसीएल इंडिया की बात करें, तो पीएसीएल इंडिया कंज्यूमर कंप्लेन यहाँ पर हमने ओपन किया हुआ है। अगर आप पीएसीएल के निवेशक हैं, पीएसीएल में आपने पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं और आप अपनी शिकायत डायरेक्ट पहुंचाना चाहते हैं इनके कस्टमर केयर या फिर इनके रजिस्ट्रार के पास, तो आप यहां से कंप्लेन कर सकते हैं। यहां पर तरह तरह की कैटेगरीज भी दी गई हैं। तो जिस भी चिट फंड कंपनी में आपने निवेश किया है, वहां पर अगर आपको कंप्लेन करना है, तो आप कंज्यूमर कंप्लेन से कर सकते हैं। यहां पर आपकी प्रॉब्लम भी रिसॉल्व की जाएगी। यहां पर आने के लिए आपको अपनी कंपनी का नाम टाइप करना है, या फिर क्रोम पे आप टाइप करते हैं जो भी आपकी कंपनी का नाम है। इसके बाद सफिक्स में कंज्यूमर कंप्लेन आप टाइप करेंगे तो आप इस पोर्टल पर आ जाएंगे। जैसे मैं सहारा का भी बताऊं, तो सहारा भी कंज्यूमर कंप्लेन में आप यहां पर कर सकते हैं। जैसे यहां टोटल आप देख सकते हैं, कंप्लेन 2971 रजिस्टर किए गए हैं, जिनमें से 2226 रिजॉल्व्ड कर दिए गए हैं। कंप्लेन पे क्लिक करके आप इनकी कंप्लेन भी देख सकते हैं, लोगों ने कैसे कैसे कंप्लेन किए हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं लेटेस्ट की ही अभी ये कंप्लेन 12 सितंबर 2022 की कंप्लेन है। इसी प्रकार से आप यहाँ देख सकते हैं कई सारे लोग यहाँ पर आकर और अपनी कंप्लेन इस चीज़ से रिलेटेड दर्ज करा रहे हैं। डेफिनेटली रूप से यहाँ पर काम कैसे होता है वो भी जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, फाइल ए कंप्लेन टू सहारा इंडिया परिवार, हैविंग प्रॉब्लम विद सहारा इंडिया परिवार, फाइल ए कंप्लेन एंड गेट इट रिजॉल्व बाय सहारा इंडिया परिवार कस्टमर केयर, इट्स क्विकली इफेक्टिव एंड एब्सोल्युटली फ्री। यानी कि ये जो कंप्लेन आप यहाँ पर रजिस्टर करते हैं, ये सहारा इंडिया में जाकर और सहारा इंडिया के कस्टमर केयर्स के पास जाकर रजिस्टर हो जाती है, या फिर इन लोगों के पोर्टल के द्वारा फॉरवर्ड किया जाता है। जैसा भी होता हो, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग अपनी कंप्लेन दर्ज करा रहे हैं और बहुत सारे चीज़ों में आप रिजॉल्व भी देख सकते हैं। इसी प्रकार से अगर HBN डेयरी एलाइड लिमिटेड की बात करें, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं टोटल 674 कंप्लेंट फाइल की गई, जिसमें से 28 रिजॉल्व भी हो गई हैं। तो यहाँ पर आके आप चेक कर सकते हैं। जैसे अभी अभी की लेटेस्ट की ये सितंबर 2022 की ये कंप्लेन है, इसे भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप आके अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं किसी भी प्रकार की। अगर आपने HBN में निवेश किया हुआ है, तो यहाँ आप आकर अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। सो आप किसी भी चिटफंड कंपनी के अगर निवेशक हैं, तो सबसे पहले आपको कंज्यूमर कंप्लेंट के पोर्टल पर आना है और उसके सफिक्स या प्रीफिक्स में अपनी कंपनी का नाम लिखना है। जैसे मैं PACL रिलेटेड से बताऊं, तो आप PACL कंज्यूमर कंप्लेंट में आएंगे और यहां पर अब आपको अपनी कंप्लेंट दर्ज कराना है, जिसके लिए आप नीचे आएंगे, स्क्रॉल करते हुए सबमिट ए कंप्लेंट यहां एक बटन दिखेगा, या फिर ऊपर आपको सबमिट ए कंप्लेंट का बटन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। यहां पर आप चाहें तो आप अपना साइन इन करके अपना एक अकाउंट बना के भी कर सकते हैं। कैटेगरी में आप देख लेंगे कि यहां कौन सी कैटेगरी में आपको कंप्लेन दर्ज करानी है। अगर आप चिटफंड से रिलेटेड हैं, तो नीचे आप आके चिटफंड सर्च कर लेंगे, अपनी कंपनी सर्च कर लेंगे और यहां से आप कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। सबमिट ए कंप्लेन पे क्लिक करेंगे, यहां पर आप अपनी कंपनी का नाम डालेंगे, यहां पर प्रोडक्ट का सब्जेक्ट डालेंगे, कंप्लेन डिटेल डालेंगे, यहां से आप कैटेगरी चूज कर लेंगे कि किस कैटेगरी की आपकी है। जैसे फाइनेंस रिलेटेड आपकी है, तो यहां फाइनेंस का भी ऑप्शन है, तो आप उसे चूज करेंगे। इसके बाद नीचे कंट्री चूज करेंगे, एड्रेस चूज करेंगे, अपनी वेबसाइट या फिर कोई भी एक ईमेल आईडी आप यहां पर देंगे, कंफर्मेशन कोड डालेंगे और सबमिट पे क्लिक करेंगे। आपकी कंप्लेन सक्सेसफुल यहां से रजिस्टर हो जाएगी। अपनी कंप्लेन रजिस्टर होने के बाद आप यहां पर उसको चेक भी कर सकते हैं। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं 2627 कंप्लेन रजिस्टर्ड हैं, तो यहीं पर आपकी भी कंप्लेन रजिस्टर हो जाएगी।
जैसे अभी अभी इन्होंने कंप्लेन किया है 10 सितंबर को, माननीय महोदय मैं PACL का बहुत गरीब निवेशक हूँ, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, ना ही इंटरनेट है, ना ज़्यादा कुछ जानता हूँ जैसे कि मैंने सुना है। तो आप इसकी ज़्यादा अगर जानना चाहते हैं इसकी डिटेल, तो आप इसके बारे में भी पढ़ सकते हैं, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं इन्होंने क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं, इसी प्रकार से आप भी अपना कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि PACL इंडिया कस्टमर सपोर्ट हैज़ बीन नोटिफाइड अबाउट द पोस्टेड कमेंट। कहने का मतलब ये है कि ये जो चीज़ है इन्होंने पोस्ट की थी, तो ये चीज़ PACL इंडिया को दी जा चुकी है, और यहाँ पर आप रिलेटेड भी क्वेरीज देख सकते हैं, यानी कि ये चीज़ वहाँ पर नोटिफाई किया जा चुका है। इस प्रकार से आप अपनी PACL में कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। सेम वे आप सहारा के अगर निवेशक हैं, तो सहारा की कंज्यूमर कंप्लेन में आएंगे और यहाँ पर सबमिट ए कंप्लेन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर सारी डिटेल आप फिल करके सबमिट करेंगे। सेम वे आप HBN के हैं, तो HBN कंज्यूमर कंप्लेन में आके और यहाँ पर आप अपनी कंप्लेन रजिस्टर करा सकते हैं। यहाँ पर अपनी रजिस्टर कराने के बाद कंप्लेन आप उसके स्टेटस भी चेक कर सकते हैं, जिसके लिए आप एक अकाउंट बना लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसी प्रकार से आप किसी भी चिटफंड कंपनी में अगर निवेश किए हुए हैं, तो एक अपनी रजिस्टर्ड कंप्लेन आप यहाँ भी दे सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं, अपनी पॉलिसीज फ़ोटोज़ शेयर करते हैं और अपनी सारी डिटेल यहाँ पर बताते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने अभी लेटेस्ट में ही ये कर किया हुआ था, और यहाँ पर ये देख सकते हैं HBN डेयरीज एंड अलाइड लिमिटेड कस्टमर सपोर्ट हैज़ बीन नोटिफाइड अबाउट द पोस्टेड कंप्लेन, यानी कि इन्हीं के द्वारा जो कमेंट किया जा रहा है, यहाँ पर रजिस्टर किया जाता है, ये डायरेक्ट वहाँ पर शिकायत आपकी पहुँचा देते हैं कस्टमर केयर के पास, तो यहाँ पर आके आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। सो गाइस, ये था आज का वीडियो। वीडियो में आपने जाना कि आप चिट फंड कंपनियों की कंप्लेन कैसे कर सकते हैं ऑनलाइन तरीके से, कैसे अपनी कंप्लेन इनके डायरेक्ट रजिस्ट्रार के पास पहुंचा सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो लाइक करें, दोस्तों का शेयर करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।